उसने बॉलिंग की तो मुझे राशिद खान ने कहा कि आतिफ भाई मार्क माय वर्ड दिस बॉय विल बी द नंबर वन बॉलर फॉर पाकिस्तान टीम इन 3 इयर्स टाइम। वहाँ मुझे और हौसला हुआ कि शुक्र है यार, मैं तो अपनी एक नज़र से देख रहा हूँ। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं तुम तो फास्ट बॉलर से, तुम्हें क्या पता नहीं है चाइना में क्या होती है। लेकिन जब उसने कहा तो हौसला और बढ़ा। उसको भी बुला के कहा कि इसको कहो ताकि इसको पता चलना चाहिए कि इसके अंदर क्या टैलेंट है। मुझे इस चीज़ों का इसलिए बड़ा मैं चीज़ों के लिए एक्साइटेड होता हूँ कि मुझे भी सिस्टम से बाहर से मैं अचानक आ गया था। और मुझे किसी ने एक दिन कहा था, वसीम हसन राजा ने, कि तुम 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान टीम में पहुंच सकते हो। जब हम अंडर 19 वर्ल्ड कप के साथ गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो मैं वाकई 8 महीने में वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो एक तो आपका सिस्टम होता है, एक और जो सिस्टम में बाहर लोग हैं। आपका सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें ना कोई पढ़ा लिखा बच्चा कंटिन्यू कर सकता है, ना कोई काम करने वाला, क्योंकि आपकी आइडेंटिफिकेशन तो अंडर 19 में होती है। और अंडर 19 आप मिडल ऑफ या 2-2.5 महीने का टूर्नामेंट करा देते हैं, जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो भी छोड़ देता है, जो काम करता है वो भी छोड़ देता है। तो क्या क्या कि मैं तो थक गया हूँ कि इसको ठीक कर लें, सैटरडे संडे 7-8 महीने का सीज़न आप कराएं जिसमें पढ़े लिखे बच्चे काम करने वाले, और ये जो फास्ट बच्चे जो अभी डेवलप हो रहे हैं क्रिकेट के, सबको मौका मिलेगा, सारे मिलके उसके ऊपर पे चलेंगे। तो फिर इसको हमने जब फिर हौसला हुआ कि नहीं ये है जिसके ऊपर हमें मज़ीद फोकस करना चाहिए, फिर उसकी हमने वीडियोस उनसे शेयर की, तो वो एक्साइटेड हुए तो किस तरह के बॉलर्स तो हर टीम को चाहिए। तो अभी वो जब गए हैं तो हम भी नर्वस होते हैं, इस तरह का आप काम करते हैं तो फिर खेलता कोई है तो गालियां कोई खाते हैं, ठीक है। अब खेल रहा होता है जहाँ भी हमारे बनी होती है ठीक कर दे, ये कुछ परफॉर्म कर दे। उसने जब नेट्स में गया मैक्सवेल को उसने बॉलिंग की, उसने 3-4 दफ़ा आउट किया, तो असी डेविड असी के कोच है, तो उससे जब बात हुई कि क्या फीडबैक है, तो वो कहते हैं कि इज अमेजिंग, इज गुड एवरीथिंग। और फिर उस 2-3 उसने प्रैक्टिस मैचेस भी खेले हैं, तो दे आर रेटिंग हिम रियली हाई। मैक्सवेल ये कहता है कि मुझे 3 भी स्पिनर खिलाने पड़ गए, मैंने इसको खिलाने खिलाने। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, क्योंकि हम मानते कम हैं जब तक कोई वहाँ जाके कुछ हारिस की तरह ना कर दे। हम ये कहते रहते हैं कि तुम्हें ये कमी है, तुम्हें वो कमी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो सिस्टम अच्छे सिस्टम होते हैं वो आपसे पूछते हैं आपको क्या आता है, वो कहता है मुझे ये आता है, कहते हैं लेट्स डू इट। वो ये नहीं करते कि मेरी